प्रदेश बीजेपी सरकार पर पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने तंज कसते हुए हमीरपुर जिला की पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर में कुलदीप पठानिया ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से हमीरपुर की 100% अनदेखी की जा रही है और नए मंत्रिमंडल में भी हमीरपुर को जगह नहीं मिल पाई है, जबकि हमीरपुर से भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जो भी मंत्री बन रहा है लेकिन आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए नए मंत्री भी नाकाम साबित हो रहे हैं। कुलदीप पठानिया ने कहा कि आज जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है लेकिन सरकार अपने मंत्रियों में ही उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि आज विकास रुक गया है और जीडीपी जीरो होती जा रही है। पठानिया ने कहा कि बीजेपी सरकार के द्वारा हमीरपुर जिला की जमकर अनदेखी की जा रही है, जिसका पता हाल ही में बनाए गए मंत्रिमंडल से लग रहा है कि हमीरपुर को कोई जगह नहीं मिल पाई है। ये आपने बिल्कुल सच कहा है कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है तो हमीरपुर की 100% अनदेखी हो रही है। अभी अभी मंत्रिमंडल बना उसमें हमीरपुर को कोई प्रत्युत्तर दिया है, जबकि यहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है तो जयराम जी को चाहिए था कि हमीरपुर को भी कोई नेतृत्व देता है। हाँ, वो ये जरूर है कि वो लोग जो हैं वो जमीनी कहते हैं कि हमीरपुर में भाजपा के आने के बाद ना कोई काम हो रहा है, ना कोई सड़क यहाँ कोई नेतृत्व के लिए कोई ऐसी उसके ऊपर काम किया जा रहा है। पर ये जरूर है कि जिनको बनाया जा रहा है उनको उनकी शरण में जरूर भेज रहे हैं कि जी हमने आपके मंत्री बना दिए, लेकिन जो आम जनता की जो तकलीफ थी, आम जनता की जो परेशानी थी वो दूर नहीं कर सके। इसी तरह आज मेडिकल वाले जो हमारे डॉक्टर हैं जो कोरोना की महामारी में दिन रात काम में लगे हैं उनका वो डीए काट रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इन्होंने अपने 3-4 साल में कोई लोगों के हित में कोई कार्य किया है। लोगों को महंगाई से त्रस्त हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त हैं, नौकरियाँ छूटी हैं उससे त्रस्त हैं, खेती बाड़ी वाला किसान त्रस्त है, बागवान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, दुकानदार त्रस्त है। और स्थिति ये हो गई कि आज हमारे देश का जो जीडीपी है या जो विकास है वो जीरो के पास पहुंच चुका है।